नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल ऑल फ्रॉम अप्लाई में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबके लिए एक और जॉब अपडेट लेकर हाजिर हूं, जो कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड 2021 का जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसमें फर्स्ट एग्जाम दिए थे तो फाइनली आपका सेकेंड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहे, मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम सेंटर और एग्जाम डेट भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि दोस्त इस चैनल पर आपको सिर्फ सटीक और सही जानकारी ही दी जाती है, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, खुद फॉर्म अप्लाई करता हूँ, इसलिए सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही वीडियो बनाकर आप लोग के बीच लाता हूँ। तो दोस्तों, मैं वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, इसलिए कि जानता हूं कि छात्र के पास समय की कमी होती है। तो चलिए, मेरे मोबाइल स्क्रीन पर मैं एक एक बारीकी से बताऊंगा कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डायरेक्ट लिंक दिया गया है, उस पर जाना है। आप एक क्लिक कीजिएगा तो आपको दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एक पेज ओपन होगा, जहां पर आपको पेज ओपन होने के बाद आपको दो चार गो ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको एक सेकेंड टीयर पीईटी स्किल टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार एक और पेज ओपन होगा, जहां पर आपको फर्स्ट में जो एग्जाम दिए थे उसका रोल नंबर डालकर नीचे सर्च कीजिएगा, तो फाइनली आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगा, आप अपना सारी डिटेल उसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका एग्जाम डेट है जो कि 9 फरवरी 2021 से आपको 16 मार्च 2021 के बीच है, आपका कब एग्जाम है आप जल्द से जल्द डाउनलोड करके पता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा कोई भी हेल्प हो आपको डाउनलोड करने के लिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप अपना एडमिट कार्ड अपने मोबाइल से ही डाउनलोड करके और चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।